हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने सेकंड ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं अभी सोकर उठा हूँ। आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मेरा मुंह देख सकते हो। तो दोस्तों, आज जो है ये ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक देख लेना। अभी तो फिलहाल में मुझे करना क्या है, जाकर मुझे फ्रेश होना है, नहाना धोना है, फिर खाना वगैरह खाने के बाद चलते हैं हम लाइब्रेरी की तरफ। तो दिखाऊंगा मैं आज अपने गांव का थोड़ा सा व्यू और रास्ते का व्यू किस तरह का है। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना और अभी से एक लाइक कर देना। तो चलते हैं फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों, मैं जो है बिल्कुल नहा धोकर खाना पीना करके आ गया हूँ, बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। अब जो है अपना बैग पैक कर लेते हैं, फिर चलते हैं लाइब्रेरी। तो हमारा बैग यहाँ पर रखा है ये। अब दोस्तों, इसमें हमें मेन चीज़ क्या रखनी है, लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जैसे कि मुझे चार्जर रखना है अपने, दूसरा मोबाइल भी रखना है, और जी हेडफोन है हमारी, हेडफोन को भी रख लेते हैं। तो फटाफट बैग पैक करते हैं अपना और फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो दोस्तों, व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अभी दिखाऊंगा मैं आपको अपने गांव का थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा, किस तरह से रास्ते में जा रहा हूं मैं, और मतलब ऑन रोड जो हमारा मेन रोड है उसको भी दिखाऊंगा, साइड का नेचर वगैरह कैसा है सब दिखाऊंगा। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो फटाफट बैग पैक कर लेता हूं। तो गाइज, हमारा जो बैग है पैक हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब जो है यहाँ से लाइट वगैरह सब बंद कर देता हूँ मैं, लाइट तो अभी नहीं आ रही है, फिर भी बंद कर देता हूँ। सारी लाइटें बंद कर दी हैं। अब मुझे करना क्या है, गेट को मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, और कुछ सामान तो मुझे नहीं लेना है, नहीं और कुछ नहीं लेना है। एक मिनट दोस्तों, बिस्तर जो है मैंने अभी सांटा भी नहीं किया है, मतलब बिस्तर को लगा देता हूँ और फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो दोस्तों, मैंने रूम का ताला लगा दिया है। दोस्तों, ताला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरे चाचा का घर है, हमारा घर दूसरी साइड है, तो यहाँ पर मैं इकल्ला रहता हूँ, तो इसमें काफ़ी सामान है, वैसे खुला नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर किसी को काम भी नहीं रहता, इसलिए मैं ताला लगा के चाबी अपने घर रख जाता हूँ, किसी को कोई काम होता है तो खोल लेता है खुद भी खुद। तो अपने साइकिल उठाते हैं और चलते हैं लाइब्रेरी को। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ मेन रोड पर, जो रोड हमारा अमरोहा जा रहा है सीधा हमारे गांव के पास में, जो शहर है वो अमरोहा ही, हमारा जिला अमरोहा लगता है जैसे कि। तो अमरोहा ही मैं लाइब्रेरी पर जाता हूँ। तो देखिए, अब मिलता हूँ आपसे सीधा थोड़ा मार्केट की तरफ। तो गाइस, अभी मैं जिस लोकेशन पर पहुंच रहा हूं, ये हमारे यहां का एक नया होटल बना है जो हमारे गांव में ही लगता है। ये हमारे गांव के यहां पर जहरवीर बाबा की यहां पर मूर्ति बनी है, यहां पर जो रक्षाबंधन का दिन मेला लगता है, और ये है वो होटल जिसका नाम है खुशी फार्म, काफ़ी बड़ा होटल है, देख रहे हो जैसे कि। दोस्तों, जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको एक होटल दिखाया था, उसी तरह से एक ये मंडप है, उसमें थोड़ी ऊंचे लेवल के होते हैं, यहाँ पर जो है जो छोटे छोटा इंसान भी अपनी बुकिंग कर सकता है, बाहर का एरिया है, अंदर की तरफ ग्राउंड है। इसमें ग्राउंड हमारे गांव से एक आगे गांव पड़ता है, गुलड़िया गाँव से जब निकलूंगा तो आपको मैं उसका भी जो है रिव्यू दिखाता हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरा ये ब्लॉग चल रहा है, अगर सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा जो है मैं इसमें
इम्प्रूव कर दूंगा। तो हमारे यहाँ की एक तहसील बन रही है जो पहले अमरोहा मार्केट में लगती है और अब यहाँ गुलड़िया में आ गई है स्पेस की वजह से। तो यहाँ पर जो है तहसील बन रही है, तो ये तहसील है, ये सारी इतनी लंबी तहसील ही बन रही है। तो दोस्तों अभी मैं तहसील के बाद की वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो गया था और भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं दे पाया। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है आपको दे दूंगा मैं वीडियो। फिलहाल हम मंडी पहुँच रहा हूँ, तो अभी मैं आपको यहाँ की मंडी दिखाऊंगा कौन सी मंडी है। दोस्तों अभी मैं जो है डायरेक्ट लाइब्रेरी पर मिल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जाम होने की वजह से मैं आपको नहीं मिल पाया था। तो उस साइड वो बैनर हमारा लाइब्रेरी का ही है जहाँ बाइकें खड़ी हैं, ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो काफ़ी जाम था इसलिए मंडी भी नहीं दिखा पाया और बीच में रास्ते में नहीं मिल पाया। अगर दोस्तों एक और होता है बंदा साथ में तो पीछे वाला वीडियो बना देता है, आगे वाला चलाने पर ध्यान देता। अब मैं एक हाथ में तो मेरा फ़ोन था, अब एक हाथ में जब मेरा फ़ोन था तो एक हाथ से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, काफ़ी जाम था। तो इसलिए दोस्तों जैसा भी था सेकंड ब्लॉग आज का बताना कमेंट करके, अगला ब्लॉग जो है इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग में आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी खतरनाक ब्लॉग के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।